सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट रेलवे बैंकिंग और टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं जितेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनी ट्रांसफ़र हम कैसे कर सकते हैं अपने बैंक से, वो भी बिना बैंक गए और बिना इंटरनेट का यूज किए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा मोबाइल है जिसमें आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं, या फिर कभी आप ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पे इंटरनेट का आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इसका यूज इस सर्विस का यूज़ करके आप मनी ट्रांसफ़र अपने दोस्तों को, अपने घर परिवार वालों को आराम से कर सकते हैं। लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। और सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्मली इसमें हमें करना क्या है कि, और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सर्विस का अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक, तो इस सर्विस का यूज करने का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। आप 5,000 रुपये तक मनी ट्रांसफ़र आराम से कर सकते हैं। तो इस सर्विस का यूज़ करने के लिए आपके पास होना क्या क्या चाहिए? आपके पास बैंक, जिस भी बैंक में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका IFSC कोड होना चाहिए और अकाउंट नंबर होना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं विद प्रूफ आज दिखाऊंगा वीडियो में, यहाँ पे मेरे साइड। फ्रेंड्स, मैं आपको लाइव ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगा। ये देखिए मेरा वाईफाई ऑन है, मैं यहाँ से अपना वाईफाई पहले बंद कर देता हूँ। मेरा वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों बंद हो चुका है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, *99# डायल करना है उस नंबर से जो नंबर हमारा बैंक में रजिस्टर्ड हो, तो उससे हम डायल कर लेंगे। देखिए हमारे पास ये पहला ऑप्शन है सेंड मनी का, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माय प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजेक्शन फॉर UPI, ये बाकी सारे ऑप्शन भी हैं। फिलहाल हमें सेंड मनी मतलब पैसे किस तरीके से भेजे जाते हैं वो सीखना है, तो हम पहले नंबर पर दिया हुआ है उसमें हम वन ऑप्शन लगा कर उसको सेंड कर देंगे। हम मोबाइल पैसे भेजने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है या तो मोबाइल नंबर के थ्रू भेज दीजिए, या UPI ID से भेज दीजिए, सेव बेनिफिशियरी से भेज दीजिए, या फिर बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड है आपके पास तो आप उस पर भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पे IFSC कोड वाला ऑप्शन यूज करेंगे क्योंकि ये आसानी से सबके पास अवेलेबल होता है। तो देखिए ये हमसे पहले IFSC कोड के बारे में पूछ रहा है, तो हम इसके लिए पहले IFSC कोड इसको प्रोवाइड करेंगे। जो जिस बैंक में आपको मनी ट्रांसफर करना है उसका IFSC कोड आपके पास होना जरूरी है। कोड डाल दिया हमने, सेंड कर दिया। अभी हमसे अकाउंट नंबर पूछ रहा है, अब हम इसको अकाउंट नंबर सेंड कर देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे। अभी हमसे अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट कितना डालना है हमें, हम यहाँ पे 1 रुपये में आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, सिर्फ अमाउंट डालेंगे। रिमार्क के लिए पूछा है, रिमार्क आप डाल दीजिए, कुछ भी हम यहाँ पर डालेंगे टेस्टिंग, क्योंकि हम इसको जस्ट चेक कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। सेंड करेंगे, देखिए अकाउंट नंबर आ गया है, जो IFSC कोड आपने डाला वो है। फ्रेंड्स, आपने देखा हमारा 1 रुपये का मनी ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है। इसी तरीके से आप किसी भी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सत्यमेव जयते।